सो है व्हाट इज अप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक गेमिंग। में आप सभी लोगों का स्वागत है यार के सर्वाइवल के एक और एपिसोड में। तो जी हाँ, हम फिर से हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज पे खेल रहे हैं और जो हमारा जो नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए हम सोचा कि भाई जल्दी हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज भी ख़त्म किया जाए। और पिछले एपिसोड में हम इस बैसलोस और उसको टेम किए थे। आप नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। और पिछले एपिसोड में हम बैसिलोसॉरस को किस तरह टेम करते हैं और टेरेजिनोसॉरस का केबल किस तरह बनाते हैं वो सभी एक्सप्लेन किया, वो जाके देख सकते हैं। और हम पिछले एपिसोड में ही दिखा दिया था सार्को को भी हम टेम कर लिए थे। तो गाइस, कल मैं गेम खेल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी स्टोन इकट्ठे करने के लिए। तो इसलिए हम इस एपिसोड में एक डोडियोक्रश को टेम करने वाले हैं, क्योंकि भाई वो काफ़ी अच्छा स्टोन गैदर करता है। सो मैं फ्लेयर्स को लेके जाने वाला हूँ, जो कि अर्जेंट ट्रेविस है, 396 लेवल का अर्जेंट ट्रेविस हमारा, जो कि ऑफलाइन में टेम किया था, आपको बता दिया था ऑलरेडी, आई थिंक 3 से 4 एपिसोड पहले ही बता दिया था आप लोगों को। बट इसका मूवमेंट डाउन स्पीड ना इतना ख़राब है कि भाई क्या ही बताएं। बट अभी रिसेंटली इसका मूवमेंट डाउन स्पीड भी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। और अर्जेंट ट्रेविस इसीलिए लेके घूमता हूँ क्योंकि भाई उसका जो एबिलिटी है ना काफ़ी अच्छी है। तो चलो थोड़ा हमारा जो डोडियोक्रश का सेडल है थोड़ा अनलॉक कर लेते हैं। कहाँ पर है ये डोडियोक्रश का सेडल? ओके, 34 लेवल पे आपको अनलॉक हो जाता है। तो आप टेम करना चाहते हो तो गाइस जाके टेम कर सकते हो, काफ़ी इजी है टेम करने में, वो भी बताऊंगा प्रोसेस। और 34 लेवल पे ही आपको मिल जाता है काफ़ी आराम से। सो गाइस, मैं मेरा पहला बेस है वहाँ पे आ चुका हूँ, क्योंकि भाई हमें थोड़ा नार्कोटिक्स चाहिए था। ये देखो भाई, भर भर के नार्कोटिक्स बना रहा हूँ मैं तो, कि जल्दी हम गीगा को टेम करने वाले हैं। और गीगा को टेम करने के लिए भाई काफ़ी अच्छा वेपन होना चाहिए। सो इसीलिए मैं शॉकिंग डॉट्स बनाने वाला हूँ गीगा को टेम करने के लिए। और सोच रहा हूँ कि भाई एक ग्रिफिन को भी टेम किया जाए। और हम इस केत को भी ग्रो किए थे, ये देखो भाई कितना सारा क्रॉप्स इसके अंदर आ रहा है। और किस तरह करते हैं और पूरा प्रोसेस किस किस तरह क्या क्या करना है खेती बाड़ी में, तो सभी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। और हमारा ब्रोंटो एक अंडा दिया है तो उठा लेते हैं। चलो, इस ब्रोंटो को भी हम उसी एपिसोड में ही टेम किए थे जो कि फार्मिंग के एपिसोड में ही टेम किए थे। आप नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। तो एंड स्क्रीन में मैं पूरा प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड जितने भी चीज़ें हम तैयार करनी थी वो सभी मैंने कर चुका हूँ। एक लॉन्ग नेक राइफल का असेंडेंट वाला बना चुका हूँ, सॉरी मास्टरक्राफ्ट वाला बना चुका हूँ। और वो आप सभी देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन्स हैं हमारे पास, सिवाय स्वॉर्ड और क्रॉसबो के। हाँ, जेट के थ्रू आया था यहाँ पे, तो कहाँ पे है भाई ये रहा जेट, तो इसको लेके चलते हैं। और पुराने बेस मतलब हमारा जो दूसरा बेस है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ से हमारा जो अर्जेंट ट्रेविस है हाई लेवल का उसको लेके चलता है, जो हमें रेडवुड फॉरेस्ट में जाना है, क्योंकि रेडवुड फॉरेस्ट में ही काफ़ी ज़्यादा डोडियोक्रश आपको मिल जाता है। सो इसीलिए मैं भी रेडवुड फॉरेस्ट में ही जा रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग ये पूछते कि भाई आप कट क्यों करते हो, पूरा दिखाओ हमें। तो बेसिकली इतना ही रीज़न है, मुझे ज़्यादातर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाना है। देखो, सभी पार्ट मैंने कट नहीं करता हूँ, बट सिवाय कुछ अननेसेसरी पार्ट को मैंने कट कर देता हूँ। इतने सारे करने के बाद फिर भी भाई वही कमेंट आता है कि आप काफ़ी सारे टाइम वेस्ट करते हो अपने वीडियो में, क्या ही बता सकते हैं। जो कहना है तुम कह लो भाई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखो, अब मैं वहाँ तक जा रहा हूँ जर्नी करके, तो ये भी दिखाऊँ आप लोगों को, तो वही होता है। सो बेसिकली मैं मेन पार्ट ही आपको दिखाता हूँ, बट क्राफ्टिंग और ट्रैवलिंग वो सभी मैं कट कर देता हूँ, बस उतना ही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि किस तरह वीडियो चाहिए। यार गलत टाइम पे आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई ऑलरेडी शाम हो चुकी है और जल्दी रात होने वाला है। और भाई रेडवुड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एरिया है। और यहाँ पे मुझे एक डोडियोक्रश भी दिखा था 140 लेवल का, बट आसपास देखा मैंने, बट उतना हाई लेवल का मुझे एक भी नहीं मिला। इसको हिट नहीं करना था, बट कोई बात नहीं, चलो एक हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आई थिंक कहाँ पे रुका भाई इसको, और इसका मोमेंटम स्पीड आप देख ही सकते हैं कितना मर चुका है। सो बस इसको एक सेफ जगह पे रखना होगा फिलहाल के लिए, और टेमिंग करते हैं। बट भाई ये रेडवुड फॉरेस्ट है ना, काफ़ी सारे खतरनाक क्रिएचर्स आते हैं। ये देखो नीचे एक टाइटन बोआ घूम रहा है, एक नहीं काफ़ी सारे टाइटन बोआस घूम रहा है नीचे। और रेडवुड के भाई मशहूर गुंडे टेरर बर्ड्स, क्या ही बताएं भाई उन लोगों के बारे में। आप रेडवुड में बेस बना के भाई रहते हो ना, आपको पता होगा कि कितना दिमाग ख़राब करते हैं टेरर बर्ड्स। कॉम्पी और डिलोफोसोरस को भी भाई पीछे छोड़ देंगे ये लोग टेरर बर्ड्स, उतना दिमाग ख़राब करते हैं।
बस इतना शुक्र है कि भाई ये हर जगह पे नहीं है, सिर्फ रेडवुड फॉरेस्ट और स्नोई एरिया का साइड साइड में रहता है। तो फिलहाल के लिए भाई कहाँ पे होता भाई इसको, तो आसपास तो भाई सभी खतरनाक खतरनाक क्रिएचर्स ही घूम रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा शांत है जगह, बट ये देखो भाई फिर से एक टाइटन बो आ चुका है यहाँ पे। ओके किधर रुका है इसको। सो फाइनली गाइस एक अच्छा स्पॉट मिल चुका है हमें इसको रुकाने के लिए। और भाई काफ़ी सारे गंदे गंदे क्रिएचर्स नीचे तो घूम रहा है, बट एक कार्नेटोसॉरस से नीचे और क्या क्या है। ओके पैरासोर है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब उतना खतरनाक क्रिएचर्स। तो मैं ऊपर इसको छोड़ के टेम कर सकता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक सो। उस पत्थर है ना राइट में वहाँ पे है आसपास कितने कितने गंदे गंदे क्रिएचर्स। ओके भाई टेरर बर्ड कार्नेटोसॉरस को भगा रहा है। ओके यहाँ पे देखते हैं थोड़ा कोई खतरनाक क्रिएचर हो तो भाई थोड़ा ख़त्म करेंगे उनको और इसको यहीं पे टेम करेंगे। तो फाइनली कोई यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ खतरनाक क्रिएचर्स तो नहीं है, तो इसीलिए इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करने वाला हूँ। ओके भाई उतर जा। वाह भाई वाह क्या टाइमिंग है, मतलब कोई खतरनाक क्रिएचर्स नहीं है बोले तो भाई ये टेरर वर्ड आ गए दिमाग ख़राब करने के लिए। चलो मार ही देते हैं, 40 लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मुझे थोड़ा आसपास का एरिया क्लियर करना ही होगा। सो गाइस आसपास का 3-4 टेरर बर्ड्स को मैंने ख़त्म कर चुका हूँ और इसको भाई पैसिव में रखता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि वरना ये डोडियो क्रश के ऊपर एग्रो हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऊपर अटैक करूँगा ना इसलिए। और फिलहाल के लिए कोई ख़तरनाक क्रिएचर तो आसपास है नहीं। और डोडियो क्रश को भाई आसानी से आप टेम कर सकते हो, कोई ट्रैप वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बस आप भागते रहो और शूट करते रहो बस। कि इसका मोमेंटम स्पीड इतना स्लो है ना, आप आराम से मतलब चल के भी इसको टेम कर सकते हो। ये देखो इस तरह। अरे टेरर बर्ड कहाँ से आ गया भाई फिर से दिमाग ख़राब करने के लिए। आजा भाई तू पहले ही तरह। अरे दो दो है कोई बात नहीं, चलो एक गया और दूसरा वहाँ पे। अरे किधर जा रहा है, आजा रुक जा भाई डोडियो क्रश रुक जा। ओके चल चलो मार दिया 10 लेवल का, तो भाई इतना कम लेवल का क्यों स्पॉन हो रहा है। ओके इसका एग्रो फिर से ख़त्म हो चुका है, तो कोई बात नहीं चलो फिर से शूट करेंगे। टॉर्पर तो बढ़ रहा है ना। ओके टॉर्पर तो बढ़ रहा है ठीक तरीके से, बट अरे फिर से आ गया दिमाग ख़राब करने के लिए। भाई कहाँ से आते हो तुम लोग, मारना है क्या इसको। छोड़ा यार जा, चले जाएगा उस तरफ। तो चलो इसको टेम करते हैं फिर से, हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा एरो शूटिंग इसके ऊपर। अरे यार काफ़ी ज़्यादा रात भी हो रही है यार, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अब तो। अगर मैं दूसरे जगह पे टेम करता होता ना तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता था, बट भाई ये रेडवुड फॉरेस्ट है कुछ भी नहीं कह सकते, कब क्या होता है क्या आके पकड़ता है पता नहीं है। स्टिल भाई हम इसको टेम करके ही जाने वाले हैं यहाँ से। और आपको पता हो तो मैं पहले ही बता दिया था कि हम एक बार हार्डकोर सर्वाइवल में मर गए, तो मैं सर्वाइवल सीरीज क्विट करूँगा हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज। तो लेट्स सी जिंदा यहाँ से निकल पाते हैं या नहीं। और आप इसको टेम करना चाहते हो तो आप एक बॉक्स बना के भी टेम कर सकते हो, 4x4 बना के भाई अर्जेंट अभी से उठा के रख सकते हो। मैं गलती से डिमॉर्फोडॉन को मार दिया, अब ये मेरे पीछे आएगा। यस आजा भाई 20 लेवल का है, मार ही दूंगा तुझे। अरे किधर गया है। ओके 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 ऊपर ही है, ऊपर ही है, मेरे पीछे ही आ रहा है, तो उड़ा देते हैं सबसे पहले। तो चला गया 30 लेवल का था डिमॉर्फोडॉन, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले टॉर्च रखते हैं यहाँ पे। किधर है, ओके यहाँ पे फेंक देता हूँ टॉर्च, थोड़ा उजाला हो जाएगा यहाँ पे। बट ओके ये रहा, फिर से इसका एग्रो ख़त्म हो चुका है। ओके कोई बात नहीं चलो। और इसको टेम करना भी भाई काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मतलब भागते रहो और शूट करते रहो बस। थोड़ा मैं गामान कर लेता हूँ। और कुछ लोगों को गॉड कंसोल के बारे में पता भी नहीं है, तो गॉड कंसोल बेसिकली क्या है कि गॉड मोड प्रोवाइड करता है आपको यार के मोबाइल के अंदर। यार के पीसी जैसा तो नहीं है, बट या थोड़ा सिमिलर है यार के मोबाइल में। और यार के पीसी में आप कौन सा भी जानवर स्पॉन कर सकते हो, टेम कर सकते हो बिना किसी एरो के उस तरह, बट मोबाइल के अंदर उस तरह नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है जैसे कि मेटल्स और उस तरह का, वो है गॉड कंसोल। ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई गॉड कंसोल क्या होता है, तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि गॉड कंसोल क्या होता है। भाई काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसके ऊपर तो भाई कितना तीर लगा चुका हूँ मैंने। और एरो की भी भाई दिक्कत नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारे एरोस भी है।
और रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था और एक घंटे में ही उस कमेंट को भाई वो कमेंट करने वाला डिलीट भी कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, मे बी दो एपिसोड पहले एक कमेंट आया था कि भाई काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपसे ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं और वीक में 3-4 अपलोड करते हैं और कुछ कुछ लोग तो भाई रोज़ अपलोड करते हैं, इस तरह ही कुछ कमेंट आया था मतलब मेरे ऊपर। वो रीज़न ये है कि भाई मेरा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो पहले ही बता चुका हूँ अभी बता रहा हूँ, सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस रहता है मेरा। उसके बाद ये लिखना वगैरह असाइनमेंट टू प्रोजेक्ट्स वो सभी देते थे ना, वो सभी करने में भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और उसके बीच में भाई मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता है। बट हाँ, फ्री टाइम तो रहता है, बट उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि भाई उतना ज़्यादा आवाज़ रहता है ना, क्या ही बताएं, टीवी फ़ैन सब कुछ ऑन रहता है घर पे। ओके, ये रिट्रीट कर रहा है, तो ये जो बताया ये पहला रीज़न है। बट एक और रीज़न है आपका सपोर्ट। आई डोंट नो व्हाई रिसेंटली 3-4 वीडियो से भाई व्यूज ही नहीं आ रहे, मतलब मेरा सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 2K तक है, बट अभी तक मतलब 2K हो चुका है, अभी तक भी मेरा व्यूज है 1K तक पार नहीं कर रहे भाई। देखो पहले ऐसा नहीं था, ठीक ठाक व्यूज आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था, बट रिसेंटली 4 वीडियोस से पहले ये आ रहा है। मैक्सिमम आप जाके चेक कर सकते हो चैनल पेज में, वीडियो सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हो, मैक्सिमम 1K तक व्यूज़ है रिसेंटली 4-5 वीडियोस है। सो फाइनली गाइस ये नॉकडाउन हो चुका है, तो इसके अंदर थोड़ा मैं जो वेरी सब कुछ डाल देते हैं। ओके, मेरे पास नहीं है, आई थिंक अर्जेंट अब इसके अंदर रखा हूँ मैंने, तो चलो एक ग्रैबिंग हुक ही मार लेते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अर्जेंट अब सिर के ऊपर ही ग्रैबिंग हुक मार दिया, तो चलो। ओके, नीचे उतरते हैं और सुबह होने का समय तो हो चुका है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली चाहिए तो मैं जो बेरीज वगैरह वगैरह डाल सकते हो, बट मेरे पास क्रॉप्स है सो इसके अंदर रखा हूँ सभी क्रॉप्स, और इसका थोड़ा मोमेंटम स्पीड ही बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी इसका ही ज़रूरत है। ओके, देखो मैं जो बेरीज भी लेके आया हूँ और क्रॉप्स भी लेके आ जाऊँ, तो सभी चीज़ें इसके अंदर डाल देता हूँ, ये जो चाहे वो खा सकता है। अगर भाई आपका सपोर्ट मिल जाता है ना भाई, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने के लिए, बट आपका सपोर्ट ही नहीं मिल रहा तो क्या ही कर सकते हैं भाई। सो इसीलिए भाई वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। सो गाइस, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम अपलोडिंग लेट वीडियोस। और कुछ लोग ये समझ रहे कि भाई मैं हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज़ और जो मेरा जो नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज़ है सेम डेनोस को टेम कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखो मैं दूसरा डेनोस को टेम कर रहा हूँ कि मेरा नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज़ में टेम नहीं किया है, उस तरह का डेनोस मैं हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज़ पे टेम कर रहा हूँ। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है काफ़ी सारे लोगों में कि मैं दोनों ही सेम डेनोस को टेम कर रहा हूँ। ओके, सिट्रनल कर रहा है, अरे यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसके अंदर तो। ओके, लेट्स वेट फॉर इट एंड मैं टेम होने के बाद ही मिलता हूँ, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है। एक बाइट में भाई 0.8% हो रहा है यार, काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। गाइस फाइनली टेम हो चुका है, 323 लेवल का हो चुका है, नॉट बैड फॉर हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज़। और शुक्र था कि भाई मैं बायोटॉक्सिन लेके आ चुका था, और यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक क्रिएचर्स तो स्पॉन नहीं हुए थे, बट एक पैक का टेरर बर्ड आ चुका था, थोड़ा दिमाग ख़राब कर रखा था। ओके, ये सभी ये देखो भाई अभी से भाई पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं चलो। और ये की बारे में भाई 317 भाई फ्रीकिंग 317। इसका एक और खास बात है जो कि इसके अंदर पत्थर जितने भी स्टोर रहता है ना उसका आधा वेट हो जाता है इसके अंदर रहे तो। तो चलो यहाँ से सबसे पहले निकलते हैं और मेरे घर पे चलता है और वहाँ पे मिलता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे कट करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा अर्जेंट है, इसका स्पीड भी इतना कम है और ऊपर से इसको कैरी कर रहा हूँ इसलिए। तो चलो मेरे घर पे ही मिलता हूँ आपको। तो गाइस अंकल सम फाइनली घर पे आ चुके हैं और इसका सैडल बना रहा है फिलहाल के लिए, और इसका भाई सैडल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बनाने में, हाइड फाइबर स्टोन और आयरन चाहिए, मतलब मेटल इंगेट चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो ना भाई तुम्हारे लिए भाई सबसे बढ़िया है। तो फाइनली सैडल तो बन चुका है, तो लेट्स सी टेस्ट ड्राइव करते हैं इसका। इसका 3-4 एबिलिटीज़ है, वो सभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, और इसका 3 लेवल बढ़ चुका है ऑलरेडी, थोड़ा स्टैमिना पे बढ़ाते हैं। ओके, 2K का स्टैमिना हो चुका है और हेल्थ बढ़ा। ओके भाई साहब 1.1K तक बढ़ रहा है हेल्थ। ओके, सेव बाद में हो जाओ, फिलहाल के लिए वेट पे लगा देते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है,
इसका सेडर भी भाई काफ़ी आराम से बन जाता है, मतलब 5 ही मेटल आपको लगता है, और हाइट फाइबर स्टोन तो आया भाई आपको नॉर्मली कहीं पे भी मिल जाता है। सो इसका नाम हम क्या रखेंगे, ओके सोनिक रख देता हूँ इसका नाम। आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका एक स्पेशल एबिलिटी है, वो बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये भाई सोनिक जैसा ही लगता है। एक्सपेरिमेंट करके ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 986 हो चुका है मेरे अंदर, और ये देखो भाई 114 तक बढ़ चुका है। जब भी इसका इन्वेंट्री में स्टोन रहता है ना, इसका आधा वेट तक घट जाता है, मतलब स्टोन का आधा वेट तक घट जाता है। वुड मेटल सब कुछ सेम रहता है, बट स्टोन का भाई घट जाता है आधा। भाई इतना छोटा है यार। और हाँ एक और चीज़ है, ये मेटल को इकट्ठे नहीं कर सकता, मतलब मेटल को गैदर नहीं कर सकता, सिर्फ स्टोन के लिए है, और फ्लिंट भी गैदर नहीं कर सकता। सो इसका बेसिकली दो ही अटैक है, ये एक नॉर्मल अटैक जो कि टेल से वाइप करता है, और ये पानी में भी काफ़ी अच्छा तैर लेता है, और इसका लेवल बढ़ चुका है। फिलहाल के लिए हम मेरी डैमेज पे ही लगा देते हैं। और ये देखो इसके इन्वेंट्री में 628 स्टोन्स पड़े हैं, और भाई 62 kg, बस 62 kg, आई थिंक 1/4 तक कट जाता है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली, मुझे उतना पता नहीं है, बट इतना पता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा कम कर लेता है स्टोन के जो ये रहता है। ये देखो भाई पानी के अंदर भी काफ़ी अच्छा तैर लेता है। अगर आप बिगिनर हो ना भाई, क्या इंतज़ार कर रहे हो, इसको जाके टेम कर लो। 33 लेवल पे ही इसका सैडल भी अनलॉक हो जाता है, और आपको भाई आसानी से स्टोन भी इकट्ठे करना आसानी से हो जाता है, और इसको टेम करना भी भाई काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा हो ना, सोनिक नाम इसलिए रखा हूँ, ये देखो इसीलिए भाई इसका स्पेशल एबिलिटी भाई रोल करता है, काफ़ी मस्त लगता है रोल करने में। और ये डाई भाई मुड नहीं सकता, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा ही चले जाता है, बट ये पानी के अंदर रोल नहीं कर सकता, स्विम कर सकता है, बट यह स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चले जाता है, और कोई फतर आए तो भाई रुक जाता है। वन वे पाता हो तो भाई सीधा स्ट्रेट चले जाता है मस्त वाला। और हाँ इस पानी के अंदर भी भाई काफ़ी स्मूथली इसका जो अटैक है ये चल जाता है, मतलब काफ़ी स्मूथली इसका अटैक भी चल जाता है पानी के अंदर। अगर आपके पास एक हाई लेवल का एक हो तो भाई काफ़ी अच्छा डिफेंस हो जाता है। ये देखो काफ़ी स्मूथली है इसका अटैक भी चल जाता है पानी के अंदर। कुछ डेनोस का भाई काफ़ी दिक्कत होता है पानी के अंदर अटैक करने के लिए, बट इसका भाई काफ़ी स्मूथली चल जाता है, और ये भाई रोल करने में भाई मस्त लगता है। टाइम पास करने के लिए भाई इसका यूज़ कर सकते हैं आप, काफ़ी मस्त लगता है। तो आई थिंक सभी चीज़ें इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये किस तरह अटैम्प करता है, इसका सैडल कब अनलॉक होता है। तो दैट्स इट आई थिंक इस एपिसोड के लिए बस इतना ही गाइस। तो बेसिकली इस एपिसोड में हम डिप्लोडोकस को टेम किया, वो भी हाई लेवल का ही टेम किया, नॉट बैड, 300 प्लस लेवल का हो चुका है फिलहाल के लिए। और इसको किस तरह टेम करना है वो भी बता चुका हूँ आपको। ट्रैप भी बना सकते हैं, बट ट्रैप का भाई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि भाई इसका मोमेंटम स्पीड काफ़ी कम है ज़मीन के ऊपर, और कंपेयर टू भाई अंडर वाटर काफ़ी अच्छा तैर लेता है। देखो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा तैर लेता है अंडर वाटर। और तो और गाइस इसको भाई परफेक्ट डाइनो कह सकते हैं बिगिनर्स के लिए, परफेक्ट बिगिनर्स डाइनो। ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई आपको नॉर्मली आप जब भी आर के खेलते हो स्टार्टिंग, आप डिलोफोसोरस को तो भाई पकड़ ही लेते हो, आप पता नहीं चल रहा हो तो भाई वो जो तूपता है ना डाइनोसॉर वो डिलोफोसोरस है, तो उसको भाई आप ऑलरेडी टेम कर चुके होते हो, तो उसके अंडे से केवल बना के भाई इसको टेम कर सकते हो। अब ये देखो स्टार्टिंग आप 33 लेवल पे ही इसका सैडल भी अनलॉक हो जाता है, और भाई आप डिलोफोसोरस तो भाई कहीं पे भी आपको मिल जाता है, और टेमिंग करना भी भाई काफ़ी ज़्यादा आसान है डिलोफोसोरस को, और आप 3-4 फीमेल्स को टेम कर सकते हो और भाई आपको अंडा मिल जाएगा, तो आप अंडा बना के भाई इसको टेम कर सकते हो, काफ़ी आसान है। और सीमेंटिंग फॉर्म भी हम काफ़ी पुराने ही बना चुके थे, बट अभी तक ये फॉर्म क्यों नहीं बन रहा है भाई, यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्ट तो नहीं हुआ है बीवर डैम का, बट कोई बात नहीं जल्दी हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक। फिलहाल के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सीमेंटिंग पेस तो भर भर के, और अगर मुझे आसपास कोई ये जो बीवर डैम क्या कहते हैं इसको कैस्ट्रोडिमस मिला तो भाई हम टेम कर लेंगे, मतलब इसके अंदर डाल देंगे ट्रैप के अंदर, तो और भी जल्दी हमें बीवर डैम्स मिलते जाएंगे। और इसको किस तरह बनाते हैं और किस तरह ट्रैप करते हैं पता नहीं हो तो जाके देख सकते हैं, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो भी बना चुका हूँ। सो जितने भी पता है इस जानवर के बारे में वो सभी मैंने बता दिया, और ये जो जानवर है सिर्फ और सिर्फ आपको स्टोन इकट्ठे कर सकता है,
तो ये इसके थ्रू आप ग्लास कुछ नहीं इकट्ठे कर सकते, सो मेटल भी हार्वेस्ट नहीं कर सकते, फ्लिंट भी हार्वेस्ट नहीं कर सकते, बट आप एक अच्छा सा बेस बिल्ड कर रहे हो तो तब ये काम आता है। और भाई ये ट्राइसरोटॉप्स का भाई काफ़ी ज़्यादा नॉकबैक है, तो चलो पानी के अंदर हमला करते हैं, देखेंगे। ओके अभी भी अटैक कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो। और हमारा मोमेंटम स्पीड भी भाई काफ़ी तगड़ा है पानी के अंदर, हम ये उड़ा देते हैं, तो चलो मर गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। जितने भी चीज़ें मुझे इसके बारे में पता था वो सभी मैंने बता चुका हूँ। और जाते जाते भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलनी थी, जो कि हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज़ और हमारा जो नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज़ है वो जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं। मे बी हमारा जो हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज़ है और 3-4 एपिसोड, मैक्सिमम 4 या 5 एपिसोड तक आ सकता है, और हमारा जो नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज़ है 3 मैक्सिमम 3 एपिसोड आ सकते हैं उसके ऊपर भी। हमारा जो नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज़ है वहाँ पे हम ऑलरेडी हंटिंग कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी आधा तो हो चुका है, रैप्टर को हंट कर चुका हूँ, मतलब अल्फ़ा रैप्टर को हंट कर चुका हूँ, और उसके साथ ही अल्फ़ा कॉर्नो को भी हंट कर रहा हूँ। और अल्फा मोसो फ़िलहाल के लिए नहीं मिल रहा है तो ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, और अल्फा टीरेक्स वो एक है, तो इन दोनों को भाई मार दिया तो उसके ऊपर भी एक जल्दी वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। और तो और कुछ परस्यूट्स बचे उस सीरीज़ में, तो उसको भी हम थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई होप दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना एक लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि भाई उनको भी पता चलना चाहिए ना इतना अच्छा और बढ़िया गेम एंड्रॉयड के लिए होता है। और काफ़ी सारे लोग ये गलत फैमिली में जी रहे हैं कि यार के सिर्फ और सिर्फ पीसी के लिए, भाई ऐसा नहीं है, मोबाइल के लिए भी है। और मे बी नेक्स्ट ईयर न्यू मैप भी आने वाला है, और हमें 131 बायोटॉक्सिन मिल चुका है, भाई बढ़िया है। तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लाइक करना और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नए डायनासोर और कुछ नए गेमिंग एपिसोड के साथ। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।